लखनऊ में मुदित एंटरप्राइजेस के पेंट गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया। यह आग इतनी भीषण थी कि आग पर काबू पाने के लिए भारी पुलिस बल के साथ 8 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगाई गई। आखिरकार घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी की घटना के बाद सवाल ये उठता है कि इतनी ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र में इतनी बड़ी पेंट फैक्ट्री चल रही है और फैक्ट्री मालिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए फैक्ट्री का संचालन इतनी आसानी से कैसे कर रहा है। सवाल आला अधिकारियों पर भी उठते हैं कि जब इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी तो उसके नियमों की जाँच क्यों नहीं हुई। कारण का तो अभी इन्वेस्टिगेट करने पे पता चलेगा, लेकिन ये है कि 11:30 की सूचना मिली थी गामा द्वारा फायर सर्विस को। तत्काल गाड़ियां साइट पर रवाना हुई थी। रवाने के बाद पता चला कि आग है, बड़ी आग है, तो हम लोगों ने इसमें 7-8 गाड़ियों का इस्तेमाल कराया। डिफरेंट लोकेशन पे जो हमारे जो फायर स्टेशन है अलग अलग, वहाँ से गाड़ियों को यहाँ भेजा गया और आग को उठा उठा गया। सर क्या यहाँ पे एनओसी थी पहले से आपकी थी? नहीं नहीं, एनओसी की संभावना पर फैक्ट्री बंद है। जैसा यहाँ से पता चल रहा है कि फैक्ट्री पिछले 8-10 सालों से बंद पड़ी हुई है और इसमें कुछ सामान था, कुछ इसकी मशीनों को डिसमेंटल किया जा रहा था, तो हो सकता है उस कारण से कुछ आग लगी हो। डिसमेंटल करते वक्त कुछ अनसेफ या एक्टिविटी ऐसी कुछ की गई हो जिसके कारण आग लगा। कितनी गाड़ियाँ अभी तक फायर ब्रिगेड के? टोटल 8 गाड़ियाँ लगाई गई हैं। अब हम लोग चूँकि आग कंट्रोल में आ गया है तो गाड़ियाँ वापस की जा रही हैं।